Hello friends, welcome back to my channel Woodofa. This is Shashank Jain, co-founder of Woodofa Interiors. Aaj ka topic is very close to every woman's heart. Aap apne ghar mein laundry room ko kaise organize karein? Also, agar aapke paas servant room hai, to usko laundry room mein kaise convert karein? Aksar hum dekhte hain gharon mein there is very little space to organize for laundries or for placing your dry wash basins or your washing machines or your press tables. ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे आप उस स्पेस को डेकोरेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और मोर इफेक्टिव बना सकते हो. बिफोर आई डू दैट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन आइकन देयर. कम ऑन, लेट्स गो इन टू द वीडियो एंड सी what do we have for your laundry room. First tip for this is, agar aapke paas ek servant room hai aapke flat mein ya aapke ghar mein ya aapne ek chota sa dedicated space bana rakha hai laundry room mein, to uski koi bhi agar uske around walls hain to usko ek plain square area bana lijiye. Sabse pehle un walls ko hata dijiye agar wo hat sake. Uske baad aap uske andar counters ko place kariye aur un counters ko jaise ki hum kitchen ke counters mein dekhte hain various drawers और वेरियस आइटम्स रखने की जगह होती है, वैसे ही उसको ऑर्गेनाइज करें. कहीं पर आप टॉयलेटरीज रखें तो कहीं पर आप टॉवल्स रखें और कहीं पर आप अपनी शर्ट्स रखें. तो उन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उस स्पेस को डेडिकेट कर दें, वो चाहे ओवरहेड कैबिनेट्स के फॉर्म में हो या फिर बिलो कैबिनेट्स के फॉर्म में हो. आपकी या तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन फ्रंट लोडेड होगी या टॉप लोडेड होगी, अक्सर घरों में यही मिलती है आजकल. तो उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बना लें, पर उससे पहले ज़रूर ध्यान रखें कि उसका ड्रेन आउट पाइप का कनेक्शन और उसका ड्रेन सही जगह से हो पा रहा हो. उस वॉशिंग मशीन के ऊपर आप अपना, अगर आपके पास सिंपल मैनुअल वॉशिंग मशीन है तो आपको अगर अलग से ड्रायर रखना है साइड बाय साइड रख सकते हैं, और अगर ड्रायर और वॉशिंग मशीन साइड बाय साइड रखने की जगह नहीं है तो आप ओवर द टॉप भी रख सकते हैं. मशीन को नीचे रख लीजिए एंड ड्रायर को आप ऊपर रख लीजिए, सो दैट एक सेम वर्टिकल सेक्शन में वो ऑर्गेनाइज हो जाए. तो आजकल ऐसी प्रेसिंग टेबल्स भी हैं जो कि आप डायरेक्टली अपने कैबिनेट्स के अंदर डाल सकते हैं. सो आप एक लॉन्ग प्रेसिंग टेबल ले लीजिए और उसके अंदर एक डेडिकेटेड एक लंबा स्पेस बनवा लीजिए अपने कारपेंटर के साथ, अपने रूम के अंदर या अपने लॉन्ड्री रूम के अंदर, जहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रेसिंग टेबल चली जाए. सो व्हेनेवर यू नीड इट तभी आप उसको बाहर निकालें और यूज़ करने लगें. यहाँ पर लॉन्ड्री रूम में अक्सर लोग भूल जाते हैं कलर्स को ठीक तरीके से प्लेस करना, एंड आई बिलीव कि अगर लॉन्ड्री रूम के कलर्स भी अच्छे वाइब्रेंट हों तो आपका मन करेगा उसके अंदर एंटर करने को एंड यू विल बी हैप्पी गोइंग इनसाइड. इसी के साथ अगर आपके पास जगह है तो आप लॉन्ग काउंटर्स भी बना सकते हैं. लॉन्ग काउंटर्स से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है क्लोथ्स को रखने के लिए, प्रेस करने के लिए, पुटिंग सम मोर एक्सेसरीज इनटू इट. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पर इज ऑर्गेनाइजिंग द स्पेस. जैसे कि हम किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं यूजिंग वेरियस पुल आउट्स एंड शटर्स एंड ड्रॉर्स, उसको मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, उसी तरीके से हम इसको मॉड्यूलर लॉन्ड्री भी बोलते हैं. क्या करना है, सिंपल से ड्रॉर्स एंड पुल आउट्स को लगा लीजिए एंड वहाँ पर डेडिकेटेड सामान रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस बना दीजिए. तो जैसे कि आप पुल करेंगे तो आप वहाँ पर सॉक्स रख सकते हैं, आप ड्रॉर्स को पुल करेंगे तो वहाँ पर आप अपने शर्ट्स एंड और अदर ट्राउजर्स एंड एक्सेट्रा सामान भी रख सकते हैं. सो इवन इफ़ यू डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड स्पेस, अगर आपके पास रूम घर में या रूम में डेडिकेटेड स्पेस नहीं है लॉन्ड्री रूम के लिए या आपके पास सर्वेंट रूम नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है. आप किसी भी घर का एक कोना या एक बेडरूम का एक कोने को डेडिकेट कर सकते हैं अपने लॉन्ड्री के लिए और उसके ऊपर आप एडिशनल शटर्स लगवा लीजिए. तो पीछे अगर आपने वॉशिंग मशीन भी रखा है या आपने अपनी बालकनी में भी रखा है और आपने उसके ऊपर भी अगर शटर्स को प्लेस कर दिया तो नोबडी नोज इट्स अ लॉन्ड्री एरिया, एंड देन उसके अंदर आप वेरियस शेल्फ्स या ओपन या क्लोज बॉक्सेस या शटर्स लगा सकते हैं टू ऑर्गेनाइज दैट स्पेस ऑल्सो. अगर इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द बजट और आपको लगता है कि आप वॉलपेपर और लाइटिंग ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में तो और भी अच्छा है, थोड़ा ये एरिया और भी वाइब्रेंट एंड अच्छा बन जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी गोइंग इनसाइड. So guys, this is what I had for laundry rooms organization tips. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो kindly इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. Also, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड also क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन बटन देयर. थैंक यू.